कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और मेरे वीडियोस को ज़रूर से इंजॉय कर रहे होंगे या मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया था कि सेवन नंबर अगर रिपीटेशन में होता है तो ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आता है। आज हम बात करते हैं एट नंबर की। अगर एट नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आता है तो ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये जो 3 नंबर होते हैं 4 8 7, ठीक है, 4 7 8 जो होता है ये 1 टाइम ही सफिशियंट है, ठीक है, ये 1 टाइम ही काफ़ी है। इसके ज़्यादा क्या होगा जब भी आपके लोशो ग्रीन में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में होगा तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं एट नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एट नंबर वन टाइम आता है तो क्या हर चीज़ को बहुत ही गहराई से सोचेंगे, ठीक है, बहुत ही गहराई तक जाएंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। ये ऐसे ही नहीं है, मैंने बोला ना, ये ऐसे ही हवा में चीज़ों को नहीं देखते करते हैं, सोच समझ के अपनी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। गहराई तक जाएंगे उसके बाद ही कोई भी सल्यूशन लेते हैं या देते हैं। 8 नंबर वालों की लाइफ में क्या होता है, तकलीफ प्रॉब्लम होती ही है। भगवान उन्हें 8 नंबर की डेट ऑफ बर्थ इसीलिए ही देता है कि उनकी लाइफ से प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होती है। खाली दिमाग जो क्या होता है, शैतान का घर है। तो ऐसे लोग को, 8 नंबर वालों को कभी भी खाली नहीं बैठने देना है। इनके अगर 8 नंबर वाले बच्चे, इनको कुछ ना कुछ इनको दें करने के लिए। और एजुकेशन तो 8 और 4 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको एजुकेशन प्रॉपर अच्छे से मिलनी चाहिए। जब भी सैटरडे को 4 या 8 डेट पड़ी है तो कुछ ना कुछ ब्लंडर हुए ही हुए हैं, ठीक है, आई है तो बड़े बड़े ब्लंडर हुए। भूकंप 26 को आया, खुरापाती दिमाग होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, 8 चक्कर में फंस जाता है उसकी लाइफ बर्बाद। अगर 8 नंबर किसी गलत चक्कर में फंस जाएगा, किसी गलत उसमें फंसेगा तो उसके उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बर्बादी ही बर्बादी, ठीक है। तो ये थी 8 नंबर अगर 1 टाइम आता है। अगर 8 नंबर आपकी ग्रिड में 2 टाइम आता, आपके लोशो ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम आता है, ऐसे लोग कैसे हो जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इनको लगता है कि जो इन्होंने सोचा है बस वो सही सोचा है, वो सही डिसाइड किया। एक बार जो बोल दिया फिर किसी की नहीं सुनते। अगर इन्होंने एक बार ठान ली कि मुझे ये चीज़ करनी है तो वो करके ही छोड़ते हैं, ठीक है, अपने ढंग से चलते हैं। जैसे मोदी जी ने बोला नोटबंदी करनी है तो करनी है, ठीक है, मोदी जी भी 17 से 8 के हैं, तो क्या है, मोदी जी ने बोला नोटबंदी करनी है तो उन्होंने की भी, ठीक है। कहाँ कहाँ जाते हैं, मिलिट्री आर्मी में बहुत सक्सेस होता है अगर ये मिलिट्री में जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर वाले क्या होते हैं, अगर मिलिट्री में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, CA हो गया, बैंकिंग हो गया, PCS जज की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें सक्सेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 8 नंबर आप के डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम आता है, अगर 8 नंबर 3 टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर पागल से हो जाते हैं। आफ्टर 40 समझ में आती है, ठीक है, आफ्टर 40 में समझ में आता भी है कि हाँ कि मैंने क्या चीज़ें गलत की हैं, ठीक है। तो ये था 8 नंबर अगर 3 टाइम। अभी बात करते हैं अगर आपके ग्रिड में 8 नंबर 4 टाइम आता है तो इससे आपकी लाइफ में क्या चेंज होता है। 4 नंबर है, अगर 8 में इतना रिजिड है, ज़िद्दी है, तो सोचिए 4 में कितना ज़िद्दी होगा। रिजिड नैपन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं। एक 8 नंबर की एक चीज़ और बता दूँ, इनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी फिक्स होती है, ठीक है। 8 नंबर वालों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग फिक्स हो, इन्हें जो पसंद आता है तो पसंद आता है, लेकिन इन्हें जो पसंद नहीं आता वो चाहे कोई कुछ भी कर ले नहीं आएगा, ठीक है। इनकी अगर एक प्लेस हो गई घर में भी बैठने के लिए, एक प्लेस है तो वो ये वहीं बैठते हैं। बेड की भी एक साइड फिक्स होती है कि अगर मैं इधर सोता हूँ तो मैं इधर ही सोऊंगा, ठीक है। तो इनकी एक फिक्स लाइकिंग हो गई, फिक्स डिसलाइकिंग होगी, फिक्स आइडियाज़ होगा, फिक्स हर चीज़ में होगा। पहनने के लिए भी जो चीज़ पहनना है तो सिर्फ वही पहनना, जो कपड़े अच्छे लग रहे हैं बस वही अच्छे लग रहे हैं, कहो कि वही आगे कंटिन्यू करते, ठीक है।
ठीक है, नएपन को ये लोग क्या होते हैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने अनुसार ही जीना चाहते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत, ऐसा नहीं है कि लोग मेहनती नहीं होते, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर ये लोग अच्छे ट्रैक पे आ जाए, ठीक है, अगर 8 नंबर वाले अच्छे ट्रैक पे आ जाते हैं, अच्छे अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से अच्छे से चलते हैं, तो ये लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 वाला, ठीक है, हालांकि मैंने बोला कि इन लोगों को कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है, प्रॉब्लम रहती रहती है इनकी लाइफ में, तकलीफ़ रहती रहती है, उसके लिए तो आप इस सोच के चलो कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम को फेस करते करते ये लोग क्या हो, ये कुछ अच्छा करते रहते हैं, है ना, अपनी लाइफ में एक टारगेट बना के चलते हैं, मुझे ये अचीव करना है, तो वो अचीव करके ही रहते हैं। और 8 वाले को मैंने बोला एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो ये कुछ गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।